Happy. मामा के साथ में जो है ऐसे ऐसे दो दो फिंगर दो फिंगर ऐसे कर वेलकम बैक टू माई चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। आज है लास्ट डे 22 का और कल से एक नई शुरुआत, नया दिन होगा। और कल का भी कोई प्लान नहीं है, कल क्या है क्या है कैसे है कुछ भी नहीं प्लान है। तो अभी बस थोड़ी देर में मैं चलती हूँ, पति देव से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या आज आप सभी के साथ वो शेयर करना चाहते हैं। 2022 के लास्ट डे जो हमारा 22 है वो अच्छा भी रहा है, बहुत अच्छा रहा है और बहुत खराब भी रहा है, दोनों चीज़ें हैं। तो मतलब ज़्यादा चीज़ें अच्छी रही हैं, थोड़ी चीज़ें ही खराब रही हैं, बट ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अच्छी थी। अब देखते हैं 23 हमारे लिए कैसा रहता है, फिंगर क्रॉस अच्छा ही रहे, भगवान करे। और नई शुरुआत करेंगे, हंसी खुशी जैसे अपनी लाइफ चलती है वैसे ही चलाएंगे। तो बस चलते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, अभी 12 बजने में टाइम है। तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया जाए, मेरा स्किन ना बहुत खराब हो गया। ठंड के टाइम में ना हम एक्स्ट्रा अपनी स्किन की केयर कर ही नहीं पाते हैं, और बिकॉज ठंड लग रही होती है, बट हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी लगाने, जो कि मतलब आप सबको पता है मुल्तानी मिट्टी, बेसन का कुछ हो, हल्दी का कुछ, ये सब ना सदियों से होता है, हमारे मम्मी नानी दादी सब लोग यूज़ करते हैं। तो मैं मतलब शादी से पहले भी यूज़ किया करती थी मुल्तानी मिट्टी, मैं सर में भी लगाया करती थी, धोया करती थी बाल उससे और फेस पे भी लगाया करती थी। बट जैसे ही शादी हुई ना, लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता ये सारी चीज़ें करने का। बट मैंने आज सोचा है, मैंने मुल्तानी मिट्टी लिया था एल्प्स गुडनेस का, स्विस लव मुल्तानी मिट्टी, जो कि पाउडर के फॉर्म में है। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और उसको एक पेस्ट की तरह बनाऊंगी एंड फेस पे लगाऊंगी। तो चलिए लगाते हैं, पहले बना लेते हैं और उसके बाद लगाते हैं। चलिए फिर आगे ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू। तो गाइस, ये एल्प्स गुडनेस का स्विस लव मुल्तानी मिट्टी पाउडर है, जो कि इस तरीके के पैकेजिंग में मिलता है। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग एंड काफ़ी सारी क्वांटिटी है, 150 ग्राम मिलता है। ये नेचुरल ग्लो देता है स्किन को। सो गाइज, आपको एक छोटा सा बाउल लेना है, उसमें मुल्तानी मिट्टी को निकालना है और कोई भी ऑयल आप ले सकते हो। ऑयल ज़रूरी नहीं है मिक्स करना, आप चाहो तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं बेबी जॉनसन का ऑयल मिक्स करती हूँ ताकि और अच्छा ग्लो आए, और थोड़ा सा पानी। बस मेरा पैक है वो रेडी हो गया है। सो आपको एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से पूरे फेस पे लगा देना है। ये आपको नेचुरल ग्लो देता है, हेल्प करता है प्रिवेंट एक्ने से, एंड ऑल्सो आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। 100% प्योर एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें, केमिकल फ्री है, पेस्टिसाइड फ्री है, ऑल्सो नो एनिमल टेस्टिंग, क्रिएटिव फॉर ऑल स्किन टाइप। एंड गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपको 110 रुपीज़ में मिलता है, और इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि मतलब काफ़ी टाइम तक ये चलने वाली है। बस आप अपने आँखों से थोड़ा सा इसको दूर रखें, एंड इरीटेशन नहीं होता है आपको अपने फेस पर लगाने के बाद, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लग गया है और अब मैं 10 से 15 मिनट वेट करूँगी, मुल्तानी मिट्टी अच्छे से पूरे फेस में सूख जाएगी तो अच्छा ग्लो आएगा। जितनी देर आप रुकोगे ना, 10 से 15 मिनट रुकोंगे, उसके बाद बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सूखना स्टार्ट भी हो गया। ये वो वाली मुल्तानी मिट्टी नहीं है जो सूखने में घंटों लगाती है, बिकॉज इसका जो पेस्ट है ना बहुत पतला बनता है, बहुत ही पतला सा है तो जल्दी सूख जाता है। सो गाइज, पर्पल पे न्यू लुक सेल स्टार्ट होगी 6 जनवरी को, जिसमें आपको एल्फ गुडनेस के प्रोडक्ट एंड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे। ऑल्सो 8 जनवरी को एल्फ गुडनेस के प्रोडक्ट पे बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर निकलने वाला है। तो 8 जनवरी को आप लोग मिस मत करना एल्फ गुडनेस के प्रोडक्ट, आपके जो भी फेवरेट है वो आप बाय कर सकते हो, बाय वन गेट वन फ्री का सेल आने वाला है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। थोड़ी देर में इसको वॉश करके फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो 15 मिनट्स रखने के बाद मैंने कर लिया फेस वॉश नॉर्मल वाटर से, एंड थोड़ा सा मसाज किया कि जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो और अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। एंड फाइनल लुक मेरा कुछ इस तरीके से है, आप देखो कितना अच्छा ग्लो आ गया है मेरे फेस से। ऐसे पति है मेरे कि मतलब क्या अनुशासन कहा जाता है, अनुशासन में रहना चाहिए किसी को भी, बात बेटे बहू या किसी की भी नहीं है। क्या काम किया हमने आज सुबह से, बताओ। मतलब जिस दिन मतलब थोड़ा सा मुझे आपके अंदर ऐसी वो होती है ना, जैसे इंसान को जो अपना डेली वर्क है उससे हटना। सो गाइस, आज है 31 लास्ट 31st इस साल का आखिरी दिन, और इस साल मेरी और इनकी खूब युद्ध हुई है,
आज के दिन भी पूरा युद्ध हुआ है। रीज़न बताती हूँ, आज सुबह मम्मी ने नाश्ता बनाया था कि मम्मी ने बोला मैं कुछ स्पेशल डिश बनाऊंगी, मैंने मम्मी की हेल्प की तलने वलने में, और दोपहर में भी मम्मी ने आज कुछ स्पेशल बनाया था, तो दोनों टाइम मम्मी ने बनाया था तो मैंने कुछ नहीं बनाया। इनको इतनी मिर्ची लग जाती है कि आपने आज क्या किया है, आपने आज किया है, दोनों टाइम तो मेरी मम्मी ने खाना बनाया, आपने क्या किया, वो निकाल के भी वही देते, आपने तो कुछ भी नहीं किया, देख रहे मम्मी कह रहे आपने तो आज खाना हाथ ही नहीं लगाया, पूरा दिन मेरी मम्मी ने काम किया। तो एक दिन मम्मी नहीं करेंगे अच्छे से, नहीं मतलब एक दिन कर, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य था कि एक दिन मम्मी ने कर दिया था, शब्दों का चयन मर्यादा से कीजिए, एक दिन कर देंगी मम्मी तो आपको, इतने टोंट मार रहे हैं ना मम्मी, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जब मम्मी ने बोला एक दिन मुझे रेस्ट मिलना चाहिए क्योंकि कल मेरे लिए इतना बड़ा दिन था, तो मम्मी की तरफ से ये मेरे लिए था, मेरे हिसाब से अब बड़ा चूहा था कि छोटा मम्मी, बड़ा था उसकी तरफ से, भाग वो जान पड़े चले वो कर पूरा जले बनी ना, वो जाल तो सुख पकड़ के नीचे ले जाता है मम्मी, कल मेरा मैंने अच्छा काम किया इसलिए मुझे आज रेस्ट पे होना है। अच्छी बात है, जबरदस्ती का रेस्ट है, किसी ने दिया नहीं था, निक्की ने खुद ही जबरदस्ती, मेरे को काम ही नहीं करने दिया मम्मी ने, मम्मी मुझसे पहले ही हर चीज कर ले रही थी तो मैं क्या करूँ, बता आपको इतनी मिर्ची लग रही है कि इन्होंने सारा जैसे किया हो जो मम्मी ने किया, मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है, इनको सारी दिक्कत हो गई है, अब पता नहीं यहाँ से आप खाना खा के प्लेट व्लेट धो रहे थे ना, तो कहते फिर मम्मी भी बर्तन धो रही है, आप क्या कर रहे हो, बताया मैंने। सो गाइज आज है इस साल का आखिरी दिन और हमने सोचा चलो थोड़ी सी आपसे बात किया जाए अपने नए बेड के आगे बैठ। आई डोंट नो, ये तो आप आज साल का आखिरी दिन तो है 31st है, बट क्या कौन सा आप खाली डाल दोगे, आप डालोगे इसको अपना दो चार दिन पांच दिन बाद, क्योंकि इससे पहले के भी ब्लॉग्स है ना तो ये थोड़े लेट हो जाएगा, कोई नहीं कहिए। सो एनीवेज जैसा निक्की ने बताया कि आज है साल का आखिरी दिन, यानी 2022 का आखिरी दिन, 31 दिसंबर 2022 है आज, एंड आई थिंक जब हम नए साल की शुरुआत करते हैं, किसी भी जीवन में किसी भी नई चीज़ की हम शुरुआत करते हैं तो एक बार पीछे मुड़ के ज़रूर देखना चाहिए, और पीछे जो बीते हुए दिन हैं, या क्योंकि हम न्यू ईयर की बात करें तो उससे जुड़ी ही बात मैं कहना चाहूँगा कि पीछे जो बीता हुआ साल है या जिस साल को हम छोड़ रहे हैं 2022, वो कैसा हमारे रहा और उससे हमने क्या सीखा, उसमें हमने क्या पाया, उस साल में हमने क्या खोया, और बहुत सारी चीज़ें अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, एंड हमसे क्या गलतियां हुई, हमने ऑन सो मेनी अदर थिंग्स, तो उन सारी चीज़ों को लेके ही हमें 2023 का भी होल हार्टेडली खुले दिल से पॉजिटिव नोट का वेलकम करना चाहिए, एंड ये ज़रूर कोशिश होनी चाहिए कि जो गलतियां जो कमियां हमारे अंदर रही हों, देखिए मेरा ऐसा लाइफ का मानना है कि एक इंसान को अपना असेसमेंट अपना इवैल्यूएशन समय समय पर करते रहना चाहिए, और आप खुद के असेसमेंट करने के लिए सबसे बेहतर इंसान होते हैं, आपका असेसमेंट आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, रियल असेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बैक बिचिंग एंड ऑल वो सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट वो आपका रियल असेसमेंट नहीं होता है मेरा ऐसा मानना है, इसलिए आप सभी से भी रिक्वेस्ट है अपना रियल असेसमेंट करें, जो कमियां आप लोगों में रही हो अगर कुछ हैं तो, मैं ये नहीं कह रहा कि सब में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, बट अगर किसी को लगता है या लास्ट ईयर हमसे ये चीज़ गलत हुई या हमने ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे की, उस चीज़ को डेफिनेटली इस साल आप सुधारें, आप सभी सुधारें, मैं भी सुधारूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा, निक्की को भी मैं यही समझाता हूँ, एंड उसके अलावा यस 2023 से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, जैसे हर साल आई थिंक सबको ही रहती होंगी, बट बस भगवान से यही प्रे करते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहे, बीता हुआ साल 2022 भी हमारे लिए अच्छा भी रहा है, बुरा नहीं रहा है सच कुछ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि गाय अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत सारे अचीवमेंट्स हमारी लाइफ में आई हैं, बहुत सारे नए काम हमारी लाइफ में हुए हैं, सो नमूने बच्चे आ गए दोनों जो कि दिन भर घूमते रहते हैं बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के, नहीं लड़ाई नहीं, सो ओवरऑल यस बेटा, आओ
सो ओवरऑल इट वॉज अ गुड ईयर एंड उसी को उसी होप से हम भगवान से प्रे करते हैं कि आने वाला साल भी यानी 2023 भी हम सभी के लिए बहुत अच्छा हो, मेरी मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो, आपके लिए आपकी फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा हो, आप सभी बहुत प्यार से रहें, बहुत इज्जत से रहें एंड खुशियाँ रहें, जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आजकल लाइफ इतनी अनसर्टेन हो चुकी है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कि अगले ही पल क्या हो जाए, नोबडी नोज। सो बेटर इज कि आप खुश रहें जहाँ हैं, जिस भी एटमॉस्फेयर में हैं, जिस भी गैदरिंग में हैं, जिन भी लोगों के बीच हैं, आप खुद भी खुश रहें, उनको भी कोशिश करें जितने ज़्यादा हो सके खुश रहें। दुख हर किसी इंसान की लाइफ में होता है एंड आई थिंक दुख एक इंटीग्रल पार्ट होता है लाइफ का, सुख दुख दोनों चलता रहता है, तो उसको बैलेंस आउट करना सीखना चाहिए। एंड विद दैट पॉजिटिव नोट वी विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। भगवान से ही कामना करते हैं कि मैं मेरी फैमिली बहुत हष्ट पुष्ट रहे, खुश रहे नए साल में। उस वही कामना हम आपके परिवार के लिए भी करते हैं कि आप भी बहुत हष्ट पुष्ट रहें, खुश रहें। इस नोट के साथ लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं नए साल में यानी कि 2023 12 बजे के बाद। मम्मी के पैर दो फिंगर ऐसे करो, बाय। सेल्फी लोगी तो फिंगर करो, ऐसे करो, फिंगर करो ऐसे, कोई नहीं वैसे ही चलेगा भाई, बच्चे के वैसे ले ले। हाँ धनवी क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? मामा के सर में जू है। हाँ मामा का बाल बांध दो, मामा तो बांधती नहीं है, अच्छे से करो। ये बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि मामा का बाल बांधे की। धनी चोटियां कैसे करते हैं, पोनीटेल करो मामा का। अच्छा नहीं, पोनीटेल इज डिफरेंट, चोटियां इज डिफरेंट। क्या है धनवी, एक्टिंग मत करो, काम करो धनवी। अच्छा मामा को मालिश करो, मामा का सर दबा दो, तेल लगाओ मामा का। वाह गुड गर्ल, करो करो करो, फिर से करके देखो, अरे वाह, काज कुछ कर दो, काज कूच कौआ खा लागी के लड्डू बाबू खाल, फिर करो काज कूच, काज कूच, काज कूच कौआ खा लागी, काज कूच, काज कूच कौआ खा लागी के लड्डू बाबू खाला, काज कूच कौआ खा। कितना काम करता है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लो पकड़ो बैठने वाला बारा, चलो मम्मी पास, तलो 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 पब्लिक तो लेना, बेचा वेट कर रही है कि मम्मा उठाएगी कि पापा। दादी हैप्पी न्यू ईयर, पापा जी हैप्पी न्यू ईयर बोलो दादी। धनवी बोलो हैप्पी, दादी को बोलो हैप्पी, भाई हैप्पी बोलो, हैप्पी न्यू ईयर मम्मी, खूब तरक्की करो, पापा रबर अलमारी को छोड़ पड़ रहा है, पापा जी का अलमारी धनवी आपको क्या मिल गया छिटने के लिए, दवाई चाचू को, चाचू को बुला के लाते हैं, रोहन तनिष्क ठीक है, चाचू चाची को हक करो, अरे एक बार चाची को भी तो हक करो, हैप्पी न्यू ईयर, बाय। हमारी तरफ से भी बाय, सेम टू यू एंड योर फैमिली एज वेल। हैप्पी न्यू ईयर, आ गए पार्टी से, घर पे ही हम कहीं नहीं गए, मगर कोई प्लान नहीं बन पाया।
मेरा बर्थडे विश करना भूल जाते हैं, वो दिवाली हम आपस में हम दोनों एक दूसरे को विश करने ही भूल जाते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, लोगों के साथ प्यार बांटते रहें, प्यार पाते रहें, जीवन का यही असली उद्देश्य होना चाहिए। एंड नया साल आपके लिए बहुत सारी और खुशियां लेके आए, यही कामना करते हैं। सो गॉड ब्लेस यू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर विक्रम, बहुत बड़े हो जाओ। हम लोग मस्ती कर रहे हैं, हम लोग सबको वीडियो कॉल कर करके, हम लोग नहीं निकी इस क्राइम में, आई एम नॉट दी पार्टनर इन क्राइम फॉर सबको वीडियो कॉल कर करके विश कर रही हूँ। सब बेचारे उठ रहे हैं, लाइट जला रहे हैं और फोन रिसीव कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत ऐसे गालियों से कर रही है निकी, मजा आ रहा है सबको वीडियो कॉल करने में। So guys, again, Happy New Year. Happy New Year to all the YouTube family and हम यही दुआ करते हैं। इससे भी ज़्यादा अगले year मुझे प्यार देना आप लोग, मतलब इस year जितना last year ये था उससे ज़्यादा इस year मुझे प्यार देना आप लोग और support करना। Last year जितनी भी खुशियाँ आप सभी के जीवन में आई हो, इस साल भगवान उसे दोगुनी खुशियाँ आप सबके जीवन में दें, यही उम्मीद करते हैं हम आपके लिए और अपने लिए भी। सो बाय बाय, मिलते हैं सुबह, देखते हैं कल का क्या क्या प्लान है। आज का पूरा प्लान तो पूरे दिन बना है हमारा और हम कहीं नहीं गए हैं, कल का देखते हैं क्या पॉसिबल है, क्या होता है। पनीर काटेंगे ये मम्मी, पूरे साल पकौड़ी बनाएंगे दी पापा जी। अरे अरे पूरा साल फोन। हेलो हेलो मामी जी नमस्ते। हेलो मामी जी नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर नानी, नया साल मुबारक हो। हाँ नानी, और तो तरह तो ठीक बनू, ठीक बना नी। अब मामा कहाँ बा? नानी जी से दो भाई। हाँ मामा नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर मामा, आपको भी। हाँ मामा और सब ठीक बा, और सब तरह यार बेचारे मौसी को पाँच बजे उठ के नहा के गोला कर दो ये। हाँ चाकू तरह मिल गए मौसी, मौसी चकुए तो रहती है खन मिल गए हुए, चकुए तो मिले, चकुए मिले ना रहुए, मिल रहा है तो पहले मेरा कार तो धरा गया था, मिलते ना मैं इसमें रखा होता हूँ किसी में रखा होता एक फाल तो मेरे से जगाओ तो ना रहनी है। सो गाइज मुझसे एक गलती हो गई थी, इससे पहले इसके बाद वाला ब्लॉग मैंने आज लाइव कर दिया, वो पता ही नहीं चला कैसे हुआ, और ये वाला ब्लॉग मुझे याद ही नहीं था कि मैंने सुबह भी किया हुआ। ये न्यू ईयर के दिन सुबह सुबह का है, तो सुबह सुबह हमने बहुत सारे पकवान बनाए थे, पकौड़े, सेवैयाँ, पूड़ी, सब्जी बनाई थी दो तीन, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। तो ये मॉर्निंग का है और मतलब ये एक रात पहले का है। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा और पतिदेव मेरी नोकझोंक अच्छी लगेगी। देखो मैंने कितनी सारी चीज़ें बनाई है, सब कुछ बनाते बनाते मम्मी ने भी मेरी प्रॉपर हेल्प की है। सो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। बाय बाय।